हाय चामी, कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैं एकदम ठीक हूँ। सफर कैसा रहा? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चल, बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे। क्यों? कहा करता था एक साथ शादी करेंगे और अब अकेले शादी कर रहा है। अरे तेरे चक्कर में रहता तो जिंदगी पर कुंवारा ही बैठा रहता। Yes, please. Speak English? Yes. Where can I get a taxi? A taxi? Over there is the taxi cab called. Many bags. भाभी से कब मिला रहा है? शाम को मिलवाता हूँ ना। शाम को? चोर, चोर, पुलिस को कहीं जल्दी बुलाओ। चोर, पुलिस को कहीं बुलाओ। चोर, चोर। क्या बात है मैडम? अरे इसकी हिम्मत तो देखो। सर यहाँ मेरा सामान लेकर जा रहा था। हद हो गई। अब तो एयरपोर्ट भी सेफ नहीं रहा। जरा नजर हटाओ कि सामान गायब। शक्ल से तो किसी शरीफ खानदान के रईस लगते हो और काम चोरी। चोरी करते हो तुम, चोर कहीं के। मैं वहाँ काउंटर पर खड़ी थी और वहाँ सामान रखा। सामान रखा था या रखा है? एक जैसे बैग्स है ना, इसीलिए गलती हो गई। सॉरी। चोर, चोर, प्लीज, प्लीज। अरे इसकी हिम्मत तो देखो। सर मेरा बैग लेके भाग रही थी ये। हद हो गई। अब तो एयरपोर्ट भी सेफ नहीं रहा। नजर हटी कि बैग गायब। दिखने में तो किसी शरीफ खानदान की रईस लगती है। काम चोरी करती है। चोर कहीं की? शट अप। तू यहीं बैठ कर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ओफो, चीख दिया। अब सारी शाम खराब जाएगी। एक्सक्यूज मी। यस। कुड यू प्लीज कीप माय लगेज इन द बूट? मैडम, ओके। एक चीख मनुस होती है और दो चीख लकी। इसलिए एक और बार चीख दीजिए ना, आपका क्या जाएगा? जहाँ एक चीख वहाँ दूसरी चीख। मैडम, मैं आपको ऐसे तो नहीं आने दूंगा। प्यार से नहीं तो जबरदस्ती सही। चीको चीको, come on, come on, चीको, come on, come on, come on. Thank you very much. आपकी दूसरी चीख ने मेरी जान बचा दी। मैं आपके कर्ज कैसे उतारूंगा? कैसे उतारूंगा? कैसे उतारूंगा? आची। Room service. Hold on. Your dinner is ready. Just leave it there. Thank you. Thank you. Who's making this noise? शर्म नहीं आती? मेरे कपड़े पहनकर घूम रहे हो? लगता है तुमने जानबूझकर बैग बदल दिए। बैग क्या बदले? मेरा हुलिया बदल गया। मेरे बैग कहाँ है? अंदर है। आई जा कर आई हो? अरे माँ, कितने बच गया? मेरे बैग, मेरे बैग कहाँ है? मेरे बैग दो, मेरे बैग दो, मेरे बैग दो। देखियो। माँ। ओए लड़की। हेलो। हेलो। हाँ आशी। ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ। रोहित मल्होत्रा से मिली? आज मिलूंगी। आज मिलोगी? यहाँ 8 बजे हैं। वहाँ क्या टाइम हुआ बेटा? हेलो, हेलो बेटा, क्या टाइम हुआ बेटा? 3 बजे। 3 बजे हैं? 3 बजे। I'm late. Bye. हेलो। Excuse me? Yes. मुझे मिस्टर रोहित मल्होत्रा से मिलना है। He's not here. वो अभी कहीं बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? कुछ बताकर नहीं गए, पता नहीं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं इंडिया से खास मिस्टर रोहित मल्होत्रा से मिलने आई हूँ। तो ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, रात को ला पत्रिसिया रेस्टोरेंट चले जाइए। वो अक्सर डिनर करने वहीं जाते हैं। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। Yes.
Excuse me. Yeah. Could you please come with me? Yeah, of course. There's a pair of sunglasses that I wanted and a... तुमने ये चश्मा कैसे पहन लिया? शोकेस में रखा था, पसंद आया, पहन लिया। लेकिन इसे तो मैंने पसंद किया था। नाराज क्यों होती हो? वैसे भी इनकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को मेरे सिवाय कोई और देखे और नजर लग जाए। कभी शरारत कभी मोहब्बत हर एक पल एक इशारा के सितारों सी जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारा के कभी शरारत कभी मोहब्बत हर एक पल एक इशारा के सितारों सी जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारा के कभी नशीली की शाम जैसे कभी नजारों को देखती है कभी है खुद एक नजारा आंखें सितारों सी जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारा आंखें जो देखे सलाम कर लूं मैं आंखों आंखों में ये भी कह दूं ना होंगी ऐसी दोबारा आंखें सितारों सी जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारा आंखें कभी शरारत कभी मोहब्बत हर एक पल एक इशारा के सितारों से जगमगा रही है तुम्हारी आंखें सितारा के Have you any reservation for Mr. Rohit Malhotra? Nee, ich werde dich auf zu. Ich glaube nicht nur für euch.
Hello. Reservation. Mr. Rohit Malhotra. Nee, zuerst, aber zuhört ist geschlossen. Closed. Jawohl, geschlossen ist heute. Can I get a taxi? Nee, Taxi gibt's auch kein heute. Heute sehe ich sprich, taxi, Spiel please. Besser. Nee, kein Taxi. Heute ist fertig. Gar nicht. Strike. Jawohl, Strike, ja. वैसे एक बात बताऊं, शक्ल से तुम गधे लगते हो और शरीर से सुअर। शुक्रिया। हाँ? क्या कहा? शुक्रिया। शुक्रिया। चलो होटल तक साथ चलते हैं, वरना रास्ते में गुंडे मिल गए तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। चलो चलो। ये गुंडे कहीं तुमने तो नहीं भेजे? What? हाँ, खुद ही गुंडों को बुलाया और खुद ही पीट दिया मुझे इंप्रेस करने के लिए। सुबह से मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारी आंखें सितारा आंखें। एक मिनट, मैं अभी आया। सुनो, कहाँ जा रहे हो? उन्हीं गुंडों को वापस बुलाने। ठीक है मान गई तुम्हारी बात। बहुत एहसान किया मुझ पे भरोसा करके। यकीन किया है, भरोसा नहीं। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ऐसे कैसे हो सकता है? खुद ही टकराती है, खुद ही चिल्लाती है, खुद ही गुंडों को रोकती है, खुद ही मदद मांगती है। मदद करो तो शक करती है और गुंडों को वापस बुलाओ तो यकीन करती है। ओफो, तुम चुप नहीं रह सकते। कितनी देर से तुम्हारी बकबक सुन रही हूँ। तुम क्यों सुन रही हो? मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ। अपने आप से बात करना है तो मुंह बंद करके अपने दिल में करो। मुझे क्यों सुना रहे हो? बोर कर दिया। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जा। वेरी सिंपल, ये कॉइन लो। क्या करूंगी इस कॉइन का? तुम इस फाउंटेन की खासियत नहीं जानती? आंखें बंद करो, कॉइन को पानी में उछालो, दिल में जो विश करोगी पूरी हो जाएगी। सामने से चला जाए। कहाँ चला गया? तुमने विश किया कि सामने से चला जाऊं तो पीछे आ गया। सुनो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा वरना तुम कहोगी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और मैं पीछे चली तो तुम कहोगे कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। फिर एक साथ होटल चलते हैं।
No! No! अरे क्या हुआ? How dare you? तुम्हारी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई कि तुम मेरे कमरे में आके सो गए? मैं अभी होटल मैनेजर को बुलाती हूँ। रिलैक्स कुड़िया, रिलैक्स। होटल वालों को बुलाओगे तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं हूँ बल्कि तुम मेरे कमरे में हो। What? मैं नींद में चल के इसके कमरे में आ गई। ये तो तुम ही बता सकती हो कि नींद में चल के आई हो या जानबूझकर। Oh, shut up! मेरी फोटो, मेरी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? कमाल हो गया भाई, तुम भी हो। मुझे तो घोड़ा पसंद आया था इसलिए तस्वीर रख ली। सुनिए, देखो इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसीलिए तो आपको जॉगिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप गुस्सा करके ही अपना खून जला लेती हैं। देखा, आ गया ना गुस्सा। शायद तुम जानती नहीं कि एक सेकंड का किया हुआ गुस्सा एक घंटे की एक्सरसाइज के बराबर होता है। तुम चुप नहीं रह सकते। अच्छा ये बताओ, रात को तुम नींद में कितने बजे चलोगी, ताकि मैं अपना दरवाजा खुला रखूं। प्लीज लीव मी अलोन। ओके ओके, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एक्सरसाइज करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आसानी से नाप सकती हैं कि आप कितने मीटर, कितने फीट, कितने इंच चल चुकी हैं। क्या मतलब? नाप लीजिए। सलाड, आप जल्दी से मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दीजिए, मेरा कंसाइनमेंट जो है वो कस्टम में फंसा हुआ है। आप फिकर मत कीजिए, मैं 15 मिनट में करवा दूंगा। नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अरे कपूर साहब। अरे गायत्री जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए मेरे ऑफिस में बैठते जी। आइए, आपने आज के अखबार में MS फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा? नहीं तो। उस कंपनी में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है और आपने तो काफी शेयर्स खरीदे हैं, अगर वो शेयर्स बोगस निकले तो? देखिए गायत्री देवी, ऐसा होगा नहीं, और जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से काय को परेशान होना। बुरा मत मानिए, मगर आप बिजनेस में बहुत लापरवाह हैं। लापरवाह नहीं हूँ गायत्री देवी, टाइम नहीं है। देखिए महीने में 8 दिन निकल जाते हैं सैटरडे संडे में, 4 दिन निकल जाते हैं कोई मर गया तो उसकी अर्थी, उसका चौथा, और 4 दिन निकल जाते हैं मेरे ब्यूटी पार्लर में, यू नो, हेयर कंडीशनिंग, शैम्पूइंग, और बाकी रह गए 14 दिन। अब 14 दिन में आदमी क्या क्या कर सकता है, और वैसे भी आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, आशी की शादी तय कर रहा हूँ ना। किससे तय की है आशी की शादी? वो मेरा दिल्ली में एक बहुत पुराना दोस्त है मल्होत्रा, उसका बेटा रोहित।
ऐसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पयाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। Excuse me, madam. Yes? There's a phone for you from India. Thank you. Hello? आशी बेटी, कैसी है तू? ठीक हूँ। रोहित मिला तुझे? ओ दादाजी, मैं परेशान हो गई इस रोहित मल्होत्रा को ढूंढते ढूंढते। घर भी तेरे बगैर अब सूना सूना सा लगता है। देख तू एक काम कर, अगर रोहित मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तू भी वापस घर चली आ। अगर वो मुझे आज नहीं मिला तो मैं वापस आ रही हूँ। ओके ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान रखना। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। दिस पैकेट इज फॉर मिस्टर रोहित मल्होत्रा। मिस्टर रोहित? मिस्टर रोहित मल्होत्रा, रूम नंबर 309। प्लीज कीप दिस इन हिज रूम। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। आप रोहित मल्होत्रा को जानते हैं? हाँ, वो मेरा दोस्त है। सॉरी, मुझे रोहित से मिलना है। क्यों, उसके पास कोई सामान रह गया था क्या आपका? सामान? क्या मतलब? उसने मुझे बताया था आप लोगों का सामान बदल गया था। वो रोहित मल्होत्रा है? आपको नहीं पता? नहीं, बल्कि मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। कमाल है, रोहित से यहाँ आप एयरपोर्ट पे मिली, रोहित के साथ झगड़ा किया और इस होटल में रोहित के पड़ोस में ठहरी है और कह रही है रोहित को ढूंढ रही हूँ। रोहित कहाँ मिलेगा? आंखों में तस्वीर है जैसे, तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे, ख्वाबों ख्वाबों तू मिले न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले, तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मंजर भी मैं भी कहते हैं बस तेरी कमी है, बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम
सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजू तुझको ये पयाम। ये गाना किसके लिए गा रहे थे? वही घोड़े के लिए। घोड़े? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, लेकिन फूलों से तो मेरा नाम लिखा था। तुम्हारा नाम? तस्वीर में तो लिखा था आशी और तूफान। मैं समझा घोड़े का नाम आशी है और तुम्हारा तूफान। तूफान? You've got a great sense of humor. मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। दादाजी ठीक कहते हैं, दिमाग से जरा भी काम नहीं लेती। इतनी बार तुमसे मिल चुकी हूँ मगर एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। पूछ लेती तो इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, अचानक मेरे नाम से तुम्हें इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? You know, मैं इंडिया से तुम्हीं से मिलने आई हूँ। क्यों, कोई गलती की है मैंने? वो क्या है कि मेरी तुम्हारे साथ मीटिंग होना बहुत जरूरी है मिस्टर रोहित मल्होत्रा। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरी कंपनी चाहती है कि हमारे डिजाइन किए हुए कपड़े आप अपने स्टोर्स में रखें। मैडम, बिजनेस की बात करने के लिए ये कोई जगह नहीं। आप रात को मेरे साथ डिनर पे चलिए, वहीं बात कर लेंगे। रोहित मल्होत्रा मिला है? हाँ दादाजी, और रोहित ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। तुमने अपने बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं, पहले मैं उसे आजमाना चाहती हूँ और अगर मुझे यकीन हो गया कि वो शराबी जुआरी वगैरह नहीं है तो ही मैं उसे अपनी असलियत बताऊंगी। मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। जी दादाजी, बाय। गॉड ब्लेस, गुड लक। एक्सक्यूज मी। यस। कैन यू करेक्ट मी टू 310 प्लीज? द गेस्ट इज इन अ कैसीनो। कैसीनो? Hello. Hello. तुम जुआ खेल रही हो? हाँ, तुम भी खेलो ना। Let's go. ठहरो, ये कॉइन्स तो खत्म हो जाने दो। कितने के कॉइन्स लिए तुमने? $1,000 के। अगर मैं तुम्हें $1,000 जितवा दूं तो? तो जिताओ ना। ये कॉइन्स वापस कर दो, $1,000 मिल जाएंगे। Come on रोहित, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। जितने पैसे इंसान एक दिन में जुए में हार जाता है उन्हीं पैसों से एक गरीब दो वक्त की रोटी खा सकता है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता है और अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। Don't give me lecture, रोहित। मैं जा रहा हूँ। रोहित, ओफो रोहित, तुमने सारा मूड ही खराब कर दिया। मूड तो खराब तुमने मेरा किया है, बिजनेस की बात करनी तो चलो मेरे साथ। मैं जा रहा हूँ। सॉरी रोहित। रोहित, रोहित, क्या तुम सचमुच नाराज हो? ओके ओके, आई एम सॉरी। चलो डिनर पे चलते हैं। पहली बार में चलते हैं। तुम शराब पीती हो? मैं शराब नहीं पीती, मगर तुम तो पियोगे ना। मैं शराब नहीं पीता, चलो। भूख नहीं लगी, एक काम करते हैं, डिस्को चलते हैं। डिस्को? या कम ऑन। Chiki 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 chiki.
पहुंचा है। ओके लेट्स गो। तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आती हूँ। ओके रोहित, बहुत अच्छे हो। तुमने शराब पी है? I love you. You are drunk. पूरा पश्चिम अंजनी राम
अभी तुम चुपचाप सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। पर मैंने झूठ बोला था, झूठी हूँ मैं, झूठी, झूठी हूँ मैं। मैं कोई डिजाइनर विजाइनर नहीं हूँ, नो, ना ही किसी कंपनी में काम करती हूँ। मैं तो वही आशी हूँ जिससे तुम्हारे मामेदारी ने हमारी शादी तय की थी, तेरी और मेरी शादी। मैं तो कैलाशनाथ कपूर की बेटी हूँ, बेटी। Madame, for you. Oh, thank you. You're welcome. आशी, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही शरीफ लड़की समझता था। समझता था? कल रात तुम्हारा असली रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक लड़की जो जुआ खेले, शराब पिए, उसे मैं अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। मुझे भूल जाओ आशी, मुझे भूल जाओ। सड़क पे तमाशा मत करो, मुझे जाने दो। मेरी बात तो सुनो। I am not interested. क्यों? क्या खराबी है मुझमें? क्या मेरे दांत लंबे हैं जो मैं काट लूंगी, या मेरी सींग है जो मैं मार दूंगी? दांत निकाले जा सकते हैं, सींग काटे जा सकते हैं, मगर आदतें नहीं बदली जा सकती। ओ, मुझे माफ कर दो, मैं शराबी नहीं हूँ, जुआरी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रोहित प्लीज, लो मैं कान पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, फिर से नहीं करूंगी ऐसे, मुझे माफ कर दो प्लीज, आईना मुझे गलती नहीं होगी, माफ कर दो। कश्मीर मोहब्बत मुझे पापा सारा मुझे छोड़ दे। रोहित सपोर्ट, रोहित की बेटा, रोहित कौन है बेटा, रोहित क्या मुझे ना। फाउंटेन की खासियत ही जानती, आंखें बंद करो, कॉइन को पानी में उछालो, दिल में जो विश करोगी पूरी हो जाएगी। प्लीज हैव अ कॉइन। नो सॉरी, वन कॉइन। नो जनेपा, क्या तुम एक कॉइन नहीं दे सकते? प्लीज दे दो ना, प्लीज प्लीज, एक कॉइन, एक कॉइन नहीं दे सकते? पे वन कॉइन प्लीज, कंजूस भिखारी लोग, एक कॉइन देना प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। रोहित प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ रोहित। Ha ha ha!
कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. ओए मुबारक हो. थैंक यू. जामी मारे को बता दे सब कुछ. शादी से पहले तेरे कितने चक्कर थे? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया. तू अपनी बोल, तूने आशी को सब कुछ बताया कि नहीं? जामी भैया, मुझे रोहित के बारे में सब कुछ पता है. मैं इसे बहुत सालों से जानती हूँ. बचपन में भी हम साथ खेला करते थे. आप आग लगाने की कोशिश मत करना. रोहित चलें, मुझे डैडी को फोन करना है और उनसे कहना है कि वो तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करें और हमारी शादी की तारीख पक्की करें. रोहित, क्या बात है रोहित? आशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैंने तुमसे एक झूठ बोला है. झूठ? हाँ, मैं रोहित मल्होत्रा नहीं हूं. फिर मजाक कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं. मैं रोहित मल्होत्रा नहीं हूं. मेरा नाम बॉबी ओबरॉय है. क्या कहा तुमने? तुम रोहित मल्होत्रा नहीं हो? तुम रोहित मल्होत्रा नहीं हो? जवाब दो मुझे. आशी, मैं सब कुछ. I love you, Ashi. But I hate you. I hate you. Ashi, मेरी बात तो सुनो. मुझे कुछ नहीं सुनना. You lied to me. तुमने मुझसे झूठ बोला. Lied to me. Ashi, please. Don't talk to me. Don't. तुमने मुझसे झूठ बोला. You lied to me. Lied to me. Ashi. झूठे हो रोहित मल्होत्रा. नो, बॉबी ओबरॉय. तुम झूठे हो बॉबी ओबरॉय. झूठे हो, झूठे हो तुम. झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो. आशी बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? रो रही है. है? आशी बेटी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अरे मिला उसे कोई बात नहीं? नहीं. क्या शराब पीता है? नहीं. क्या जुआरी है? नहीं. किसी लड़की का चक्कर है? तो फिर क्या है, तू रोती क्यों है? ना वो शराबी है, ना वो जुआरी है, और ना ही वो रोहित मल्होत्रा है. क्या? रोहित मल्होत्रा? रोहित मल्होत्रा नहीं है. क्या? कौन है? उसने मुझे धोखा दिया है. अरे किसने धोखा दिया है? रोहित मल्होत्रा ने. अभी तो कह रही कि रोहित मल्होत्रा. रोहित मल्होत्रा नहीं, नकली रोहित मल्होत्रा ने. ही सर चीट. बेटी बहुत हो गया, बस तू अब वापस चलिया. बड़ी चीट है. भूल जा ये सब कुछ. Take the next flight and come home. और मुझे फोन कर देना है. तू कौन सी फ्लाइट पे आ रही है? Take care. Bye love. क्या हुआ? क्या? रोहित मल्होत्रा? रोहित मल्होत्रा नहीं? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आशी मेरी बात तो सुनो. Don't talk to me. भाई साहब, अब आप ही फैसला कीजिए. बगैर सच्चाई जाने किसी को सजा देना गलत बात है ना? झूठा इंसान जिंदगी में झूठ ही बोलेगा. वो तो कभी सच बोल ही नहीं सकता. अरे मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है. Sorry, I don't understand. अरे समझने की कोई जरूरत नहीं, सुनता रहे. हाँ तो हुआ ये कि मैं इनसे प्यार करने लगा था और ये है कि मुझसे बात करने को तैयार नहीं. फिर मुझे पता चला कि ये यहाँ रोहित मल्होत्रा की तलाश में आई है. तो मैंने सोचा कि इनके नजदीक आने का एक ही तरीका है, क्यों ना रोहित बन जाऊं. एक और बात बताओ, ये बेकार क्या कर रही है मुझसे? वैसे ये भी मुझे बहुत प्यार करती है. मैं इससे नफरत करती हूँ. ओ गॉड, ये इलेक्ट्रिसिटी. हाथ मत लगा मुझे. आप थप्पड़ मारा मुझे. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी. यू चीट.
आशी प्लीज। ओए रुक जा कुड़िये। हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ भी कर दो जाना। मान तो ले है हमने अपनी खता, माफ भी कर दो जाना। देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये गुस्सा छोड़ो, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये गुस्सा छोड़ो। हम है शर्मिंदा, गलती होगी ना आइंदा। हमसे रहोगे क्या हमेशा कफा, माफ भी कर दो जाना। सितम है मिलते हो जो कहीं देखते भी नहीं। ऐसा भी रुठना क्या भला, देखो तो एक नजर तुम जरा। ऐसा भी रुठना क्या भला, देखो तो एक नजर तुम जरा। जो तुम पे मरता है उसका है अब हाल क्या। देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये गुस्सा छोड़ो, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये गुस्सा छोड़ो। हम है शर्मिंदा, गलती होगी ना आइंदा। हमसे रहोगे क्या हमेशा कफा, माफ भी कर दो जाना। सोचो जरा मेहरबान, पाओगे हम सा कहा। छोड़ो भी तुम ये नाराजगी, आओ भी कर ले हम दोस्ती। छोड़ो भी तुम ये नाराजगी, आओ भी कर ले हम दोस्ती। अब जाने भी दोगे जो भी हुआ सो हुआ। देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये किस्सा छोड़ो, देखो ये गुस्सा छोड़ो अब तुम, ये किस्सा छोड़ो। हम है शर्मिंदा, गलती होगी ना आइंदा। हमसे रहोगे क्या हमेशा खफा, माफ भी कर दो जाना। मुझे छोड़कर मत जाओ। आखिर तो मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो? क्या मेरा गुनाह यह कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? क्या मेरा गुनाह यह कि मैं रोज Please contact the Air India Inquiry Counter, Mr. Rohit Malhotra. Please contact the Air India Inquiry Counter. Thank you. Rohit Malhotra. Mr. Rohit Malhotra, there's a message for you. Thank you. Excuse me, you're Mr. Rohit Malhotra? Yeah. मैं खास आप ही से मिलने इंडिया से यहाँ आई हूँ। अच्छा? जी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और मेरी कंपनी ने आप ही से मिलने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे ये सामान
आप इंडिया वापस जा रही हैं? जी जी नहीं, मेरा ये असिस्टेंट इंडिया से आया है, मैं उसे रिसीव करने आई थी। रोहित जी, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। But we must talk. मैं हॉलिडे में ठहरा हूँ, लंच पे मिलते हैं। ओके। नहीं दादाजी, मैं एयरपोर्ट गई थी लेकिन वहां मुझे रोहित मल्होत्रा मिल गया। लेकिन तू तो कह रही थी कि वो रोहित मल्होत्रा नहीं है। वो नकली था, ये असली है। लंच पर उससे मिल रही हूँ और मिलने के बाद आपसे बात करूंगी। ओके बाय। क्या आशी वापस नहीं आ रही है? कभी कहती है कि रोहित मल्होत्रा मिल गया, कभी कहती है कि रोहित मल्होत्रा नकली है, अब कहती है कि असली रोहित मल्होत्रा मिल गया। पता नहीं ये कितने रोहित मल्होत्रों से मिलकर आ रही है। Come in. आशी। यहाँ क्यों आए हो? आशी, तुम आज रोहित मल्होत्रा से मिलने जा रही हो और मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि उसमें वो सारी अच्छाइयां हों जो तुम अपने जीवन साथी में ढूंढ रही हो। आखिर तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी चाहता हूं कि आज जब रोहित तुम्हें देखे तो उसे ऐसा लगे जैसे कि जन्नत से कोई परी जमीन पे उतर आए हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूं, बहुत खूबसूरत लगोगी इसमें तुम। शैंपेन? No thanks. कमाल है, तुम शैंपेन भी नहीं पीती। मुझे शराब पीने का बहुत शौक है। I love alcohol. Cheers. आप दिन में भी शराब पीते हैं? कौन कहता है दिन में शराब नहीं पी सकते? फिर भी दिन में शराब? मैं दिन रात नहीं देखता, जब मूड आया शराब पी ली। रोहित मल्होत्रा हियर? Oh no. हार गया। अच्छा एक काम करो, तुम अगली रेस में क्लोपेट्रा पे $2,00,000 लगा दो। आप जुआ भी खेलते हैं? जुआ खेलना मेरा शौक है। कितना हार गए आप? ये कोई $1,00,000। $1,00,000 कमाता किस लिए हूं? ऐश करने के लिए। आई लाइक टू एंजॉय माय लाइफ और ऐश कर रहा हूँ। रोहित, इंसान जितने पैसे जुए में एक दिन में हार जाता है, उतने पैसे में एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता है, अपनी सारी जिंदगी चैन से बिता सकता है। Oh, come on, don't bore me. Stop giving me lectures. Rohit, how are you? Hello, sweetheart. Long time no see. Yeah, I read this morning. What are you doing tonight? Nothing. So why don't you do one thing? Come over to room number 305. We'll have a lot of fun. All right? And? अब आशी जिंदगी भर रोहित मल्होत्रा की शक्ल नहीं देखेगी। मानता है ना? हाँ, मान गया। देखा, बचा दिया ना? बचा दिया यार। यस यस, थैंक यू। बॉम्बे आऊंगा तो फिल्मों में चांस दिलाएगा ना, प्रॉमिस कर। क्या एक्टिंग करता है तू? तू बॉम्बे चल, मैं सुभाष गाई से बात करता हूँ, तुझे काम जरूर देगा वो। आशी,
चाहता था कि तुम वापस चली जाओ। I'm sorry, आशी। आशी, मेरी बात सुनो। आशी प्लीज, मेरी बात सुनो। आशी प्लीज। आशी, तुम नींद में चल रही हो। बॉबी, मैं नींद में नहीं चल रही हूं, जाग गई हूं। Oh,
जागी हुई फिजाएं हैं तेरे लिए, मेरे लिए गाती हुई हवाएं हैं तेरे लिए, मेरे लिए फूलों में ताजगी सी है, राहों में रोशनी सी है, दिन में भी चांदनी सी है मेरे सनम तेरे लिए। रिपोर्ट पे नहीं देखेगा तो डिसअपॉइंट होगा। मैं समझ सकता हूं मैडम, मगर ये रिपोर्ट आज ही रिजर्व बैंक को सबमिट करनी है। टुडे इज द लास्ट डेट, आप प्लीज चेक करके इसे साइन कर दीजिए। ओके, आप गाड़ी लेकर एयरपोर्ट जाइए और बॉबी को रिसीव करके घर ले आइए, मैं घर पहुंचती हूं। राइट मैडम।
दादाजी। ओ आशी बेटी, वेलकम होम। हाय दादी। हाउ वाज द फ्लाइट? वेरी गुड दादाजी। दिस इज बॉबी। नमस्ते जी। हाउ डू यू डू? फाइन। नमस्ते कपूर साहब। नमस्ते। वेलकम सर। मम्मी नहीं आई? वो घर पे आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, सुनो तुम गायत्री देवी की बेटी हो क्या? जी हाँ। मैं तुम्हारी माता जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा नमस्कार कहिएगा उनसे। जरूर, मैं चलता हूँ। अच्छा। बाय आशी। बाय। फ्लाइट में मिला था क्या? स्विट्जरलैंड में। बॉबी क्या कर रहे हैं? अरे बॉबी, पागल हो गया क्या? मॉम वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तू वापस आ गया है। कल से तू ऑफिस जाएगा और सारा काम संभालेगा। अच्छा बॉबी, इतने दिन तू बाहर रहा, ये पता कभी याद आई मेरी? तेरी हा? याद हम सफर सुबह शाम। क्या हो रहा है बॉबी? मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। तू वहां बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने गया था या गाने की ट्रेनिंग लेने गया था? Can't you understand ma, I'm in love यार। Really? हाँ। क्या नाम है लड़की का? आशी, कपूर इंडस्ट्री के मालिक कैलाशनाथ कपूर की बेटी। कैलाशनाथ कपूर की बेटी? लेकिन उसकी शादी तो किसी दिल्ली के लड़के रोहित मल्होत्रा से होने वाली है। ओह मॉम, मैं ही रोहित मल्होत्रा हूँ। क्या तू रोहित मल्होत्रा है? माँ बहुत लंबी कहानी है, दो लफ्जों में बात इतनी है कि मैं और आशी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना अच्छा है मेरा बेटा, बहू ढूंढने की तकलीफ भी मुझे नहीं दी। अब ये बता, कब मिला रहा है आशी से? हाँ, आ जाऊंगी कल सुबह पक्का। ओके बाय आशी माय डार्लिंग। हो गई जिद पूरी। मैंने कहा था मैं फोन करके रोहित को बुला लेता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। डैडी मैंने बहुत ढूंढा उसे। मैं मल्होत्रा को फोन कर देता हूँ, रोहित को आज ही यहाँ बुला लेता हूँ। रोहित मल्होत्रा नाम से मैं तंग आ चुकी हूँ। लेकिन आशी, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एनी मोर डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। देखा देखा आपके लाड़ प्यार ने से कितना बिगाड़ दिया है, किसी का कुछ सुनती नहीं डैडी। अरे भाई, इतने लंबे सफर से आई है वो और ऊपर से थकी हुई है, मैं कल सुबह बात करूंगा। हाँ। तू जा अपनी चोटी बना जा। मम्मी क्या है? आज आप बना दो ना मेरी चोटी। हाँ, चल। हाँ, बना दो बस। मैं बना दूं? आप अपनी बनाइए ना। एक मारो इडियट। आइए मैम साहब, आइए चलिए। हाय बॉबी, ये क्या पहनकर आ गई? क्यों, क्या खराबी है? तुम मम्मी को नहीं जानती, बहुत कंजर्वेटिव है। राम सिंह आया साहब। ये क्या कर रहे हो? पहली बार मम्मी को मिल रही हो, सर ढक के मिलो। तुम मम्मी का गुस्सा नहीं जानती, बहुत खतरनाक है। मैं जा रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। और हाँ, मम्मी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम करना। हाँ। और कुछ पूछे हाँ? तो मुस्कुराकर जवाब देना। हाँ। और फिर से प्रणाम करना। ओके समझ गई। राम सिंह तुझे क्या हो गया? माँ राम सिंह नहीं, ये आशी है। आशी? लेकिन ये पगड़ी क्यों? जी मम्मी, आपके सामने मैं नंगे सिर कैसे आ सकती थी? बस बेटी उठो उठो। सच, जैसी बहू का सपना देखा था भगवान ने ऐसी ही बहू भेजी मेरे लिए। जी बस आपका आशीर्वाद है। अरे उठो उठो, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने डैडी को बताया? जी मैं सोच रही थी कि अगर आप उन्हें बताए तो। उठो बेटी उठो, आओ आओ मेरे पास, आओ आओ बैठो। अब जाके अपने डैडी को बताना कि तुम्हें एक बदमाश लड़के से प्यार हो गया है, जो पहली बार तुम्हें मुझसे मिला रहा है और तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। बॉबी खबरदार, जो मेरी बहू को परेशान किया। मैंने क्या किया? बस। बहू तुम बैठो, मैं अभी आई। जी वेरी गुड। अरे रुकी क्यों हो, मारो इसे मारो। अरे बस बस चुप, इसकी हरकतें मार खाने लायक ही है। मैं तो खुश हूँ कि इस घर में कोई तो आ रहा है जो तुझे मार सके। बेटी हाथ दिखाओ।
कंगन? जब मेरी सास ने मुझे पहली बार देखा था उन्होंने यही कंगन मुझे पहनाया था। आपने आशी से पूछा? अरे भाई क्या पूछता मैं, वो तो सुबह सुबह तैयार होकर बाहर चली गई, वापस आएगी तो उससे बात करूंगा मैं। मम्मी क्या कीजिए? बात क्या है? मैंने अपनी शादी पक्की कर ली। क्या तूने अपनी शादी पक्की कर ली? हाँ। तूने अपनी शादी किसके साथ पक्की कर ली? वो आपको एयरपोर्ट पे मिला था ना, बॉबी ओबेरॉय, उससे। वो? हाँ। आशी तूने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ओ दादी मैंने सोचा था जब बॉबी की माँ हाँ कर देगी तब बताऊंगी, अभी अभी उनसे मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने हाँ कर दी और ये देखिए कंगन भी दिया है। हाय रब्बा क्या जमाना आ गया है, खुद जाके शादी की बात कराई और खुद शगुन भी ले आई। अरे ये तो बहुत अच्छी है, कुछ लड़कियां तो हनीमून मना कर घर आती हैं और फिर बताती हैं कि उनकी शादी भी हो गई। लेकिन कैलाश ने मल्होत्रा को जबान दी है, उसका क्या होगा? मैं कैलाश को समझा दूंगा, हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, उसे खुद तय करने दो कि किसके साथ बितानी है। आप कैलाश को समझाएंगे तो शायद वो रोहित को इनकार कर देगा, लेकिन बॉबी को मिले बगैर वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। पहली बार तूने अकल की बात की है, ठीक है आशी मैं तो आज रात को कैलाश को सब बता दूंगा, लेकिन तू कल बॉबी को कैलाश से जरूर मिला देना। इट्स ओके। छोटी प्लीज। एक्सक्यूज मी आप मुझे देखकर तो नहीं हंस रहे ना? आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर। कुछ नहीं बस आपके। क्यों कभी किसी के बाल नहीं देखे क्या? देखे मगर ऐसे सर पर नहीं देखे। एक बात बताओ आपको ना छोटी नहीं जूड़ा बांधना चाहिए। व्हाट? गोल सर गोल चार और गोल चूड़ा। Shut up and mind your own business, okay? Okay, okay, I'm sorry. You should be sorry. Control yourself, KK. Just control. One, two, three. Excuse me. मैं इनकी चोटी में एक फूल लगा रहा हूँ। खूबसूरती बढ़ जाएगी। You bloody chap, you bloody fool. Is it done? No, sir. आओ ना, घबराओ नहीं। और हाँ, दादी को मिलते ही साष्टांग प्रणाम कर लेना। दादी आप मिल चुके हैं बॉबी से। जीते रहो जीते रहो। आओ आओ बैठो, डैडी को बुलाती हूँ। तुम्हारी मम्मी कैसी? ठीक है एकदम। वो क्यों नहीं आई? आशी ने कहा था कि अंकल अकेले मिलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ ये बॉबी? व्हाट काइंड ऑफ नेम इज बॉबी? लड़का पीछे से अच्छा लगता, बाल भी लंबे, चोटी क्यों नहीं बनाता है? डैडी मैं चलता हूँ। एक मिनट एक्सक्यूज मी। कैसे हो बच्चे? अच्छा हूँ। बचपन में तुम्हें देखा था, तुम छोटे से थे। बहुत छोटा। हम तुम्हारी मम्मी को बहुत सालों से जानते हैं बेटा। हाँ। हमारे सारे बैंक अकाउंट जो हैं उन्हीं के बैंक में हैं। पता है? ये तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो बेटा? शर्म आती है जी। मुझसे कैसा शर्माना बेटा। मैं भी तो देखू हमारा जवाई कैसा लगता है। जी आपको क्या देखना, आपकी बेटी ने पसंद कर लिया। अरे मुंह दिखाओ ना यार। बहुत शर्माता है। हाथ नीचे करो बेटा। ओके कोई बात नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। अच्छा मैं आके बंद कर लेता हूँ। आगे खोलो। My baby. मेरा बाप। लगता है रानी को तुम बहुत पसंद आ गए। पक्का? तो फिर अंदर क्यों गए? तुम्हारे लिए शगुन लाने गए होंगे। मम्मा डार्लिंग मम्मा मम्मा मम्मा। आप ये क्या कर रहा है? मर गया?
अच्छा हुआ भाग्या, वरना कैलाशनाथ कपूर के हाथ से आज खून हो जाता। पर जारी मेरी शादी। शट अप, उस उल्लू के पटे के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। मामा पार्लर में मेरी चोटी का मजाक उड़ाया था उसने। वैसे तूने कुछ गलत नहीं कहा, कैलाशनाथ जी लगते तो बहुत ही अजीब है, लेकिन मैंने तुझे कितनी बार समझाया राह चलते लोगों से मजाक मत किया कर। माँ मुझे क्या पता था वो आशिक के डैड हैं, अब क्या करें? अब क्या करोगे मेरे दोस्त? नो प्रॉब्लम आई विल जस्ट। सर मिस्टर बॉबी ओबेरॉय आपसे मिलने आए हैं। मैं किसी बॉबी ओबेरॉय नाम के आदमी को नहीं जानता, और अगर दोबारा कोई कहे कि वो बॉबी ओबेरॉय है तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देना, और वो फिर भी आ जाए तो मैं उसे गोली। नमस्ते जी। गेट आउट ऑफ दिस हाउस। सर मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल आपका हेयर स्टाइल तो एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ना, इसलिए तो मैंने भी चोटी रख ली, आपसे छोटी है। मेरी चोटी का फिर से मजाक, निकल जा वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आपने गोली मार दी तो फिर आशी का क्या होगा? बेचारी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, फिर अनाथ भी हो जाएगी। आई से गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। नो डैडी, जब तक आप हाँ नहीं कहते मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम नहीं जाओगे? कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक घर में दो चोटियां नहीं रह सकती हैं। नो नेवर। लेकिन डैडी, प्लीज डैडी। नो। हाय रब्बा, उनकी करा। सत श्री अकाल दादी माँ। बॉबी तू? दादी माँ मैंने प्रसाद करवाया है, ये लो। मैं नहीं खा सकती। क्यों? मुझे शुगर की बीमारी है ना, और फिर कैलाश ने अपनी कसम दिलाई है कि मीठा नहीं खाना। दादी उन्होंने कसम दी कि मीठा नहीं खाओ, ये थोड़ी ना कहा है कि प्रसाद मत खाना। और प्रसाद नमकीन कड़वा या तीखा तो होता नहीं, प्रसाद तो प्रसाद होता है, और प्रसाद को ठुकराना पाप है। तू बड़ा नेक बच्चा है। दादी मेरा एक काम करना। क्या? आशी से कहना मुझे घर पर फोन ना करे, अब मैं घर पर मिलूंगा नहीं। तू कहेंगे आ रहा है क्या? मैं कहां जाऊंगा, अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना। वाहेगुरु की छांव में सारी जिंदगी बितानी है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई तो यूं मार है वो डांस सुने के। दादी मैं आशी के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही वो मेरे बगैर। आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि अपना गुस्सा थूक दे और हमारी शादी के लिए राजी हो जाए? अरे मेरा पुत्र तो पहले से ही सन की है, और ऊपर से तूने उसे चिढ़ा दिया। आप किस लिए हैं? दादी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, अगर दादी ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। अरे बात अब तो मेरे हाथों से भी निकल चुकी है, कैलाश लड़के और उनके घर वालों को बुला चुका है, और वो लोग मुंबई आ चुके हैं। आज कैलाश आशी का रिश्ता पक्का कर रहा है। नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा। दादी माँ आपको ये रिश्ता रुकवाना होगा, मैं सारी जिंदगी आपको मीठा, मेरा मतलब प्रसाद खिलाऊंगा। ठीक है, मैं आपको चक्कर चलाती हूँ। आप तो बेकार परेशान हो रही है, ये लीजिए मेरी तरफ से तो हाँ समझिए, कंग्रेचुलेशंस। बस एक बार आशी और रोहित मल्होत्रा एक दूसरे को मिले तो फिर देखना। मम्मी मम्मी, रोहित मल्होत्रा मम्मी। आशीर्वाद बाद में दूंगी, पहले पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट? पर पासपोर्ट यहाँ लाने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट नहीं है तो फिर राशन कार्ड दिखाओ। मम्मी ये तुम क्या कह रही हो? तू चुप रह। पर जाई जी, ये पासपोर्ट ये राशन कार्ड हम कुछ समझे नहीं। क्या है ना, ये कंफर्म करना जरूरी है कि यही रोहित मल्होत्रा है। मम्मी मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना कि यही रोहित मल्होत्रा है। तू चुप कर। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारी आशी यूरोप गई थी, वहाँ उसको एक लड़का मिला, उसने कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। दोनों साथ में घूमे पी दिए, गार्डन में गाने गए, उसके बाद पता चला कि वो रोहित मल्होत्रा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? चुप कर। उसके बाद आशी को एक दूसरा लड़का मिला। मम्मी तू चुप। उसने भी यही कहा कि मैं रोहित मल्होत्रा हूँ। फिर दोनों साथ में घूमे फिरे, फिर गार्डन में गाने गए, उसके बाद पता चला कि वो भी फ्रॉड था। अब ये तीसरा आया है, शादी के मंडप में कोई चौथा आएगा, शादी के बाद में कोई पांचवा आएगा। मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तू क्यों रो रहा है पुत्तर? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सब सुनने के बाद ये लोग शादी से इनकार करेंगे ना।
पर बात तो क्लियर होनी चाहिए। अरे चाय जी, ये तो आपकी शराफत है जो आपने सारी बातें साफ साफ बता दी, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। हाँ, और शादी के बाद भी इससे कोई गलती हुई ना तो हम इसे माफ कर देंगे। हाय रब्बा, कितने बेशरम लोग हो तुम लोग, ये सब कुछ सुनने के बाद भी शादी के लिए राजी हो गए। ऐसे बेशरम लोगों के घर में मैं अपनी पोती की शादी नहीं कर सकती। मम्मी, चल मम्मी, मम्मी। चुप कर मल्होत्रा, मुझको माफ कर देना। मैं घर से दो दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने शादी का रिश्ता ही तोड़ दिया। डैडी, उसने मेरे बालों का मजाक उड़ाया था। मजाक क्या उड़ाया, तेरी चोटी में एक फूल डाला उसने, कौन सी बुरी बात की। कोई आपके बालों में फूल लगाए आपको अच्छा लगेगा। अरे चोटी काट कर तेरे हाथों में दे दूंगा मैं। डैडी, आशी बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरी शादी बॉबी से ही होगी। हाँ, मैं गैसी को आज ही फोन करता हूँ, उसे खाने पे बुलाता हूँ। अबे तू क्यों अपनी चोटी के साथ गुदगुदा रहा है, उस पंडित को फोन कर, चल। वर और वधु की कुंडली के हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार। उनके अनुसार क्या? उसके अनुसार 11 महीनों तक शुभ दिन नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि 11 महीने तक हिंदुस्तान में कोई शादी नहीं करेगा? बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बाल ट्रिम कराने 4:30 बजे नहीं आ सकता हूँ। शादी से पहले बाल जरूर कटवा लेना। एक मिनट होल्ड करना। क्या था? देखा तुमने माँ बेटे कैसे मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे, ये शादी तो बिल्कुल नहीं। डैड, मेरे बाल, वैसे भी शादी के बाद तो मैं सर मुंडवा रहा हूँ, ना रहेंगे बाल ना रहेगी टेंशन। तुम फिर मेरे बालों का? चुप रहो डैडी, मेरे बालों का जरूरी बातें हो रही है। डैडी हमेशा मुझे और से देखो। यस, एक मुहूर्त है, आने वाला बुधवार। बुधवार जी, क्या आप इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कर पाएंगे? इससे आपका क्या मतलब है? बुधवार तारीख ठीक है ना? जी ओके। मेरी पंडित जी के लिए मिठाई ले आओ। तुम बाज नहीं आओगी, मिठाई खाओगी। पंडित जी ने बताया कि आने वाला बुधवार बहुत ही शुभ दिन है, आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज हो सकता है कपूर साहब, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आशी मेरे घर की बहू बनकर आ जाए। लेकिन डैडी, इतने थोड़े से दिनों में शादी के सारे इंतजाम कैसे हो सकते हैं? तो तुम्हें क्या करना है इसमें, 4 टेलीफोने करनी है, सब बंदोबस्त हो जाएंगे। रही कार्ड की बात भाई, एक दिन लगेगा छपने में, 2 दिन बटने में। और डैडी, कहीं गलती से रोहित मल्होत्रा का नाम मत छाप देना। एक मारूंगा मैं। हाँ, शादी बुधवार को पक्की और मंगनी कल। जब से मिली है आके होश है दोनों ही के गुम, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। देखो ये दो परवाने है दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आके होश है दोनों ही के गुम, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह।
कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। मशहूर है जो हमको मंजूर है वो, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही के गुम। कैसा दिलदार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। सुन ले जमीन सुन ले छोड़ चले दोनों दुनिया की गलियां। इनको जुनून है फिर भी सुकून है, तब से मिली है ना के होश है दोनों ही के गुम। कैसा करार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। Yes, ma'am. ये इनविटेशन कार्ड्स आप डिलीवर करेंगे। Right. ये पोस्ट में जाएंगे और ये मैं खुद दे दूंगी। Okay. वो लिस्ट दोबारा चेक कर लीजिएगा, कोई रह ना जाए। No, ma'am. After all, एक ही तो बेटा है मेरा। जी. वरना लोग शिकायत करेंगे। और हाँ, स्टाफ को कार्ड देना ना भूलिएगा। जी. Yes. Send them in. मैडम, कुछ सीबीआई ऑफिसर्स आपसे मिलने आए हैं। सीबीआई ऑफिसर्स? What do they want? Good evening, madam. Good evening. I am Raman Tyagi. DSP of CBI. Oh, please come. Thank you. Please sit down. Thank you. So what can I do for you? ये जो MS fertilizer का bogus shares scam हुआ है, उसके बारे में आप जानती तो होंगी। जी जानती हूँ। हमें ऐसी information मिली है कि Mr. कैलाश नाथ कपूर ने MS fertilizers के 4 crore के shares खरीदे, जिसके लिए आपके बैंक ने उन्हें लोन दिया है। हाँ, ये सही है। मैडम, हमें मिस्टर कपूर के इस लोन अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए। देखिए 6:30 बज रहे हैं, सारा स्टाफ चला गया है। आप कल सुबह आइए, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। गायत्री जी, मैं आपके यहाँ अपनी बेटी दे रहा हूँ, और ऐसी बेटी जिसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ चीटिंग करूंगा? ऐसी बात नहीं है कैलाश नाथ जी, लेकिन कल सुबह 10 बजे से पहले आप मिस्टर लाड से मिलकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दीजिए। देखिए, आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन 4 crore तो घर पर नहीं रखता ना। और फिर आपको सीबीआई वालों को कैश थोड़ा ही देना है, आपको तो पेपर पर एंट्री दिखानी है। आप किसी के भी अकाउंट से ट्रांसफर करवा दीजिए। और फिर 5-6 दिनों की बात है, घर में शादी है, 50 काम है, शादी होते ही मैं पैसे जमा करा दूंगा। सोचिए मत गायत्री जी, कर दीजिए। अच्छा, शादी के कार्ड बढ़ गए क्या? बट रहे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।
राम सिंह मम्मी कहाँ हैं? ऊपर है साहब। माँ, मम्मी, क्या है बॉबी? आ जाओ खाना खा ले। तुम खा लो, मेरा जी नहीं कर रहा। ओके माँ। ओके मिस्टर लाड, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। मगर मैडम, सीबीआई वाले आए तो मैं उन्हें जवाब क्या दूं? सच्चाई तो हम छुपा नहीं सकते। आप उन्हें मिस्टर कपूर के अकाउंट्स दिखा दीजिएगा। ओके ओके मैडम। होटल वालों से कहो कि डिनर मेन्यू मुझसे आकर डिस्कस कर लें। जी, खाना शानदार होना चाहिए। पहले से ही। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे कोई मिलने आए। कौन है? मिस्टर कैलाश कपूर। यस, आई एम रमन त्यागी फ्रॉम सीबीआई। कहिए। मेरे पास आपके नाम का ये अरेस्ट वारंट है। कैलाश, एक मिनट डैड। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं डैड, वो शेयर मार्केट से कुछ शेयर्स। डोंट वरी, मैं अपने लॉयर को फोन करके आता हूँ। सॉरी सर, आपको अभी हमारे साथ हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। अरे कमाल करते हो, हम अपने वकील को फोन भी नहीं करते। सॉरी, क्या समझ रखा है? शरीफ लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए तुम्हें? इतनी तमीज नहीं है? शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं? वकील से बात। अरे वकील से क्या बात करूंगा मैं? अरे मेरे बेटे को ले गए। क्रिमिनल क्या समझते हैं? धाका डाला है उसने, किसका खून किया है, चोरी की है उसने? मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर कपूर कि आप फ्रॉड नहीं हैं, ना ही आपने कोई चीटिंग करने की कोशिश की, मगर कानून कानून है। हाँ, ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, मगर आप घबराइए नहीं मिस्टर कपूर। आज कोर्ट बंद है, मैं शाम को मजिस्ट्रेट के घर जाकर आपकी जमानत के पेपर साइन करवा लूंगा। थैंक यू। हेलो श्रीवास्तव साहब, जरा मिस्टर कैलाश नाथ कपूर से कहिए कि उनके फादर को हार्ट अटैक हो गया है। ओह मिस्टर कपूर, आपके डैडी को हार्ट अटैक हुआ है। ओह गॉड। सर, मैडम की फ्लाइट आधे घंटे में आने वाली है, मैं एयरपोर्ट जाता हूं। ठीक है। मिस्टर कपूर, कैसे हैं डैडी? ही इज आउट ऑफ डेंजर, इट वाज अ माइल्ड अटैक। मैं उनसे मिल सकता हूं? यस ऑफ कोर्स, इट्स ओके। थैंक यू। डैड, डैड सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अकाउंटेंट से गलती हो गई थी, वकील साहब मैजिस्ट्रेट के घर गए हैं, आई एम श्योर जमानत हो जाएगी। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े अरमान थे कि तेरी शादी पर पगड़ी बांधकर बारातियों का स्वागत करूं, नाचूंगा गाऊंगा। आप दिल छोटा ना कीजिए, आशी की शादी आपके ठीक हो जाने के बाद ही होगी। नहीं, पंडित जी ने कहा है कि अगर शादी इस बुधवार को नहीं हुई तो अगले 11 महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है, शादी इस बुधवार को ही होनी चाहिए। ठीक है डैड, जैसी आपकी मर्जी, आशी की शादी बुधवार को ही होगी। आइए, दिस वे प्लीज। थैंक यू। प्लीज। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, दादाजी सो रहे थे। तुम्हारे पापा और बीजी कहाँ है? वहां बैठे हैं। अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आई। मम्मी, डैडी के हार्ट अटैक के बाद अब इस घर के सारे फैसले हमें सोच समझ के करने होंगे, और आप फिकर मत करो, क्योंकि देखिए अखबारों में सब कुछ ये बदनामी हो रही है।
नमस्ते शहर वाले हमारे। नमस्ते भाई साहब। आओ आओ गायत्री। बीजी मैं सोच रही थी बड़े कपूर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बॉबी और राशि की शादी में। गायत्री देवी आपने आज शाम का अखबार पढ़ा? जी नहीं, मैं तो अभी पढ़िए ना। कैलाश भाई साहब, आपकी वजह से मेरी इज्जत इस शहर में दो कौड़ी की हो गई। देखिए देखिए कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। मगर इसमें मेरी क्या गलती है भाई साहब? आप चाहती तो आसानी से मेरी इज्जत बचा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इज्जत उछालने से, एक बाप की इज्जत उछालने से उसकी बेटी की इज्जत पर क्या फर्क पड़ सकता है। वो बेटी जो आपके घर की बहू बनने वाली है। आप क्या समझते हैं कि मैं जानबूझकर अपने होने वाले समधी की बेइज्जती करवाऊंगी? गायत्री देवी आज आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, कल को हो सकता है कि आप मेरी बेटी की बेइज्जती करें और कहें कि इसमें आपका क्या कसूर है। अपनी बेइज्जती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूं, लेकिन बेटी की बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आप जैसे घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दे सकता। कैलाश तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीजी भाई साहब जरा सोचिए, अगर ये शादी नहीं हुई तो कितनी बदनामी होगी। मेरी तो जितनी बदनामी होनी थी गायत्री देवी उतनी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा और बदनामी क्या होगी। लेकिन अब जब पता चलेगा कि कैलाश नाथ कपूर ने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करने से इनकार कर दिया, तो शायद आपको एहसास होगा कि बेइज्जती क्या होती है। शायद इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी मजाक उड़े, आपकी भी बदनामी हो, ताकि बेइज्जती के जिस दौर से मैं गुजरा हूं उसी दौर से आप भी गुजरे। अंकल, ये आप किस तरीके से मेरी मां से बात कर रहे हैं? शुक्र करो कि मैं बात कर रहा हूं, घर से निकाल नहीं रहा। बॉबी प्लीज डोंट गो। बॉबी, मम्मी, डैडी प्लीज रोको उन्हें। दादी रोकिए ना उन्हें। बेटी चुप हो ना, चुप हो ना। जिस बदतमीज से आशी के डैडी आपसे बात कर रहे थे उस तरह मैं भी उन्हें जवाब दे सकता था, मगर आप ही के संस्कार हैं जो मैं खामोश रहा। लेकिन बॉबी इस तरह गुस्से में चले आने से तो बात और बिगड़ गई। बेटा तू अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, अगर आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है इसलिए वो अपसेट होंगे। अपसेट है इसका ये मतलब नहीं कि आपको जलील करें। जिस तरह आशी के डैड आपसे बात कर रहे थे, मेरा तो एक बात बताओ माँ, क्या गलती आपकी है? मेरी गलती बस ये है कि मैंने सीबीआई वालों को सच्चाई बता दी, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि उसकी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं किसी भी तरह से कैलाशनाथ जी को मना लूंगी। नहीं माँ, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। आशी से शादी करने का फैसला मेरा था, आगे क्या करना है उसका फैसला भी मैं ही करूंगा। कैलाश के साथ भी हादसा हुआ है, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। उसे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। जब मुझे बुरा लगा तो उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। तू बॉबी के साथ फोन पर बात कर बेटी। चार पांच बार फोन कर चुकी हूँ दादी, बॉबी मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तू एक काम कर, तू कल सुबह बॉबी के घर चली जा, उसे जाके मिल, बात कर, वो जरूर समझ जाएगा बेटी। हाँ मिस्टर लॉर्ड, नहीं मैं ऑफिस नहीं आ रहा, हाँ फोन करूंगा। ओके बॉबी साहब, आशी मैम साहब आपसे मिलने आई हैं। उनसे कह दो मैं घर पर नहीं हूं। आपसे बात करूं।
क्या हुआ बेटी? आंटी, जिस बहू का सपना आपने देखा था वो मैं नहीं हूं। हाँ हाँ मल्होत्रा, मैं फैसला कर चुका हूँ। नहीं, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएंगे तो रिसेप्शन दे देंगे। आप परसों सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। शादी बुधवार को ही होनी चाहिए मल्होत्रा। नहीं नहीं, मम्मी नहीं आ रहे, सिर्फ मैं और आशी आ रहे हैं। दैट्स राइट। अरे किसी भी होटल में करवा देना यार। अच्छा मल्होत्रा, परसों मिलता हूँ। आशी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। तुम जानती हो कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस उम्र में बाईपास। पूरी जिंदगी डैडी की ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें सुहागन देखे और मैं चाहता हूं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। कैलाश, अगर उन्हें पता चला कि आशी की शादी बॉबी के साथ, बॉबी के साथ शादी के लिए वो इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आशी खुश थी। अब अगर आशी उनसे कह देगी कि वो रोहित के साथ शादी करके भी खुश है तो वो रोहित को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे में उन्हें ये बात बताना ठीक रहेगा? नहीं, लेकिन उन्हें बाद में बताएंगे। वैसे भी शादी दिल्ली में हो रही है। डैडी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आएंगे तो आशी उन्हें खुद ही बता देगी तो रोहित के साथ क्या है। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही कल सुबह हम 11 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, तुम आज दादाजी से मिल लो। डैडी प्लीज, मुझे दिल्ली ऐसे जबरदस्ती। क्या कहना चाहती हो?
रोहित से शादी नहीं करोगी, उस बॉबी ओबराय से ही शादी करोगी जिसकी माँ की वजह से पूरे शहर में तुम्हारे बाप की बदनामी हुई है। लेकिन डैडी, जो कुछ भी हुआ उसमें बॉबी की मम्मी का, तुम्हारा मतलब मेरा कसूर था? नहीं डैडी, चार दिन पहले एक अजनबी से मिली और उसके प्यार में खोकर अपने बाप की इज्जत भूल गई। लानत है ऐसी औलाद पर। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी अपनी आशी मेरे साथ नहीं सोचा था मैंने। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जिस बाप की इज्जत उसकी बेटी ना करे, उस बाप को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कभी मत करना। ठीक है, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही। बड़े अरमान थे कि तुझे दुल्हन बनते देख सकूंगा। खैर, मैं सोच सकता हूं, तसव्वुर कर सकता हूं कि मेरी बिटिया शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। उसके गले में मंगलसूत्र होगा, माथे पर टीका, मांग में सिंदूर, और तो डाढ़ी सोनी लगेगी। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि अब मैं घर जाऊंगा तो तू घर पे नहीं होगी। हाँ, ये तसल्ली जरूर रहेगी कि तू खुश रहेगी। रो क्यों नहीं है? शादी का मौका तो बड़ी खुशी का मौका होता है, और फिर तू किसी घर से तो नहीं अपने मनपसंद लड़के से शादी कर रही है। तू उससे प्यार करती है, वो तुझसे प्यार करता है, वो बड़ा वो है कहाँ? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? जी, वो कुछ काम से। वो ऐसे भी क्या काम है कि मुझे मिलने नहीं आ सकता? तो उसे कह देना कि कल तक मुझे मिलने नहीं आया ना, तो मैं उसका दुम्बा बना दूंगा। मैं कह देना उससे, मैं उसका दुम्बा बना दूंगा, मैं उसके दोनों कानों के बीच में सर कर दूंगा। कह देना उससे। हाँ, बॉबी, यहां क्यों आई हो? तुम जानते हो कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हो सके तो कल सुबह इनसे एक बार मिल लेना। ठीक है। और हाँ, मैं कल सुबह दिल्ली जा रही हूं, वहां परसों मेरी शादी रोहित मल्होत्रा से हो रही है। दादाजी ये बात नहीं जानते, वो यही समझते हैं कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। बॉबी प्लीज, उन्हें ये बात मत बताना। बाय। चलो, एक अपनी आशी की जिम्मेदारी है, वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार भी है, बड़े नसीबों से मिलता है, और फिर जोड़ी भी बहुत चंगी जोड़ी। नमस्ते दादाजी। ओ बॉबी, ओ बॉबी, और
बड़ी उम्र है तेरी, बड़ी उम्र है, अभी अभी तेरी बात कर रहे हैं। अच्छा तू आ गया, वरना शादी के मंडप में पहुंच कर मैं तेरी वो खबर लेता, वो खबर लेता। कैसी बात करें दादाजी, मेरी मजाल की मैं आपको मिलने नहीं आता। वो क्या है कि हाँ मैं जानता हूँ भाई, शादी वाला घर है, वहाँ बहुत कामकाज हो रहा है, वहाँ पर सब लोग बिजी है। चुप रहिए, डॉक्टर ने मना किया है ना बोलने को। जानते हो ये मुझे बात करने से मना क्यों करती है? हाँ, ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। गलत, ये मुझे मना इसलिए करती है क्योंकि मैं इसे मीठा खाने से मना करता हूँ। बदले लेती है, बदले। हाँ छोड़ो छोड़ो, तुझे पता घर में खूब हंगामे हो रहे हैं। शादी के घर हंगामा नहीं होगा तो क्या होगा? सारे मेहमान आ गए, पूरा घर मेहमानों से भरा है। और रात भर संगीत वंगीत खूब हुआ होगा। हाँ दादाजी, रात भर नाच गाना चलता रहा। देखिए देखिए, और तू शादी में पहनेगा क्या? शेरवानी दादाजी। शेरवानी पहनेगा? ये सूट वूट में दूल्हा दूल्हा नहीं दिखता, शेरवानी पहनेगा मेरा बॉबी। बेटा तू मुझे बहुत चंगा लगता है, मेरी आशी को कभी कभी दुखी मत करना। दादाजी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आशी को बहुत खुश रखूंगा, उसे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार कि उसे लगेगा नहीं कि वो आप सबको छोड़ के किसी नए घर में आई है। पूरी जिंदगी उसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आखिर मैं उसे प्यार करता हूं। आशी खुश रहेगी तभी तो मैं खुश रहूंगा। ओए, क्या बात है? कुछ नहीं, तेरे आंसू कह रहे हैं कि कोई बात जरूर है। ये तो खुशी के आंसू है जी। अरे पगली, मैंने जिंदगी के 50 साल तेरे साथ गुजारे हैं, क्या मेरी आंखों को इतनी समझ नहीं कि खुशी के आंसू और गम के आंसू में क्या फर्क होता है? हैं? बता क्या बात है। आशी हरी, अब फ्लाइट का टाइम हो गया, कमान कमान, वी आर लेट। तो आशी की शादी रोहित मल्होत्रा से हो रही है? जी हाँ। बॉबी, तू मेरी आशी से प्यार करता है? दादाजी मैं आशी से बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोलता है, उसकी शादी कहीं और हो रही है और तू यहां बैठा हुआ है। इसे प्यार नहीं कहते बरखुदार, प्यार तो हम दोनों ने किया है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, जबकि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे और इसके माँ बाप ने फैसला कर लिया था कि ये घर में कुंवारी बैठी रहेगी लेकिन मुझसे नहीं ब्याह की, नहीं। हाँ, और मैं मंदिर जाने के बहाने आपको मिलने आया करती थी। और मैं भी पेड़ पर चढ़कर टहनी के जरिए तेरी बैल्कनी में उतरता था। और एक बार डाली टूट गई थी, बहुत चोट आई थी ना आपको, अस्पताल पहुंच गया था। उसी का फायदा उठाकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। और जब मैंने ये सुना तो मैं अस्पताल से भागकर सीधे तेरे घर पहुंचा। तेरा घर तो बिल्कुल जगमगा रहा था, मेहमानों से भरा हुआ था, मैं अंदर घुसता भी तो कैसे। और मैं भी तो आंसू बहाती हुई अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि बाहर से आपके गाने की आवाज सुनाई दी। जिंदगी झूम कर मुस्कुराने को है, जिंदगी झूम कर मुस्कुराने को है, प्यार अपनी कहानी सुनाने को है। जिंदगी झूम कर मुस्कुराने को है, जिंदगी झूम कर मुस्कुराने को है, प्यार अपनी कहानी सुनाने को है, प्यार अपनी कहानी सुनाने। सा
भी उतना ही कसूर है जितना इसका। ये भी इससे बहुत प्यार करती है। थैंक यू डैड। अरे थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू एयर इंडिया को कहो। और मेरी चोटी खिंचना बंद करो, अब तुम मेरे दामाद हो गए हो।